वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। नवरात्रि की नौमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें यश बल और धन भी प्रदान करती हैं। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। देवी महालक्ष्मी की ही तरह माँ सिद्धिदात्री भी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं और इनके चार हाथ हैं जिनमें वो कमल का फूल, शंख, गदा और चक्र धारण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के पास संसार की समस्त 8 सिद्धियाँ मौजूद हैं। वो है अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व। कहा जाता है माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त को ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की थी और इनकी कृपा से ही उन्हें इन सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही नवरात्रि का समापन माना जाता है। अब आपको बताते हैं आपको माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करनी है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9वें दिन यानी आखिरी दिन देवी को 9 प्रकार के फल, फूल, नवरस युक्त भोजन अर्पित करना चाहिए। पूजा विधि की बात करें तो सुबह स्नान के बाद सबसे पहले कलश की पूजा और उसमें स्थापित सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माँ को पुष्प अर्पित करें, माँ को अनार का फल भोग लगाएं, साथ ही नैवेद्य भी अर्पित करें, माता की आरती करें। इस दिन हवन भी जरूर करना चाहिए और बहुत से लोग जो अष्टमी को कन्या पूजन नहीं करते वो नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।